नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की घोषणा की। सारण से राजद के चंद्रिका राय के खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश में तीसरे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश के 5 संसदीय क्षेत्रों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर के लिए कल से शुरू होगा नामांकन का काम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गया और जमुई में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की घोषणा की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसका नाम लालू राबड़ी मोर्चा होगा। श्री यादव ने कहा कि वे सारण लोकसभा सीट से राजद के चंद्रिका राय के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। तेज प्रताप यादव लोकसभा चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने जहानाबाद तथा शिवहर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। प्रदेश में तीसरे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। झंझारपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और वाम दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लक्ष्मण प्रसाद यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया। सुपौल से सुधाकर झा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। मधेपुरा से निर्दलीय अरशद हुसैन और रीमा देवी ने, जबकि खगड़िया से जनहित किसान पार्टी के विनय कुमार वरुण ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अररिया से आज एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। इस चरण के तहत 88,31,956 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश के 5 संसदीय क्षेत्रों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। इन क्षेत्रों में 29 अप्रैल को मतदान होना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी कल से शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल निर्धारित है। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जाँच होगी, जबकि 12 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आज समस्तीपुर में मुंगेर और दरभंगा प्रमंडल के अधिकारियों के साथ चौथे चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गया और जमुई में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। इस दौरान जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान के साथ साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। गया से इस बार जदयू के विजय मांझी चुनावी मैदान में हैं, जबकि जमुई से लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष और निवर्तमान सांसद चिराग पासवान एनडीए उम्मीदवार हैं। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पूर्णिया जिले के गढ़बनेली में महागठबंधन उम्मीदवार उदय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है। वहीं श्री यादव ने कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के समर्थन में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। भाकपा माले ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सिवान संसदीय क्षेत्र से अमरनाथ यादव, जहानाबाद से कुंती देवी और काराकाट सीट से राजाराम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल से पार्टी का प्रचार अभियान शुरू होगा। गौरतलब है कि आरा से पार्टी पहले ही राजू यादव को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में महागठबंधन से अलग 6 संसदीय क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडेय ने बताया कि बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और गया सीट से पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया है। एक और सीट पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी उम्मीदवार नहीं देगी वहां महागठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाएगा। गौरतलब है कि झामुमो ने झारखंड में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीटों के तालमेल को लेकर समझौता किया है।
शेखपुरा में जमुई संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार भूदेव चौधरी के स्थानीय अभिकर्ता उमा शंकर सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। रोहतास जिला प्रशासन ने सासाराम संसदीय क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने के लिए 20,000 अर्द्धसैनिक बलों की चुनाव आयोग से मांग की है। जमुई में आज दिव्यांगजनों ने मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। वहीं दरभंगा जिले के केवटी स्थित मध्य विद्यालय बेहटा में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शिवहर जिले में परदेशिया गांव में जिलाधिकारी अरशद अजीज के नेतृत्व में मतदाताओं की जागरूकता के लिए पैदल मार्च का आयोजन किया गया। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने आचार संहिता अनुपालन के संबंध में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सभी थानाध्यक्षों को चुनाव सभा और जुलूस आयोजित करने की पूर्व अनुमति देने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यहां 11 अप्रैल को मतदान होगा। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जहां मौजूदा सांसद चिराग पासवान को फिर से उतारा है, वहीं पहले जमुई का प्रतिनिधित्व कर चुके भूदेव चौधरी महागठबंधन की ओर से रालोसपा के टिकट पर उनके सामने हैं। दोनों को ही एक एक बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव है। बसपा प्रत्याशी उपेंद्र दास इसे त्रिकोणीय बनाने की जो तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मुकाबले में कुल 9 प्रत्याशी रह गए हैं। 2014 में चिराग पासवान ने त्रिकोणात्मक संघर्ष में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के प्रत्याशी सुधांशु शेखर भास्कर को हराया था, जबकि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जदयू प्रत्याशी के रूप में तीसरे स्थान पर रहे थे। जमुई राजनीतिक दिग्गजों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह और विधान परिषद के पूर्व सभापति श्यामा सिंह का जमुई क्षेत्र से नाता रहा है। जमुई का लछवाड़ क्षेत्र भगवान महावीर का ज्ञान भूमि माना जाता है। जिले के सदर प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंड नक्सल प्रभावित हैं। उद्योग धंधों के विकास नहीं होने के कारण बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जो जमुई के लोगों के लिए एक बड़े दंश के समान है। आकाशवाणी समाचार के लिए जमुई से पंकज कुमार। मुंगेर के बहुचर्चित AK-47 राइफल तस्करी मामले में पुलिस ने मुफस्सिल और जमालपुर थाना में दर्ज अलग अलग कांडों में अनुसंधान पूरा कर 39 तस्करों के खिलाफ मुंगेर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है। एक अन्य मामले में NIA ने पटना स्थित विशेष अदालत में 6 हथियार तस्करों के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दायर किया है। गौरतलब है कि मुंगेर पुलिस ने मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से चुराए गए 22 AK-47 राइफल बरामद किए थे। केंद्र सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक कर दी है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च तक थी। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। आज देना बैंक और विजया बैंक का इसमें विलय हुआ। अब इस बैंक की 9,500 शाखाएं और 13,400 ATM हो गए हैं। बैंक के कर्मचारियों की संख्या भी बढ़कर 85,000 हो गई है, जो 12 करोड़ उपभोक्ताओं की सेवा करेंगे। प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आज भी कई जगह बारिश हुई है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में 15 मिलीमीटर, बहादुरगंज में 10.4 मिलीमीटर, जबकि खगड़िया के परबत्ता में 8.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जमुई और बांका जिले में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई है। गया जिले के इस्माइलपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों तक रेल परिचालन को बाधित रखा। शेखपुरा जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी जितेंद्र कुमार को 12 वर्ष कारावास और 20,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बेगूसराय जिले के रिफाइनरी पुलिस आउटपोस्ट के हरपुर ढाला के पास से पुलिस ने एक ट्रक से 65 लाख रूपये मूल्य की 649 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की घोषणा की। सारण से राजद के चंद्रिका रॉय के खिलाफ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश में तीसरे चरण में 5 संसदीय क्षेत्रों के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश के 5 संसदीय क्षेत्रों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर के लिए कल से शुरू होगा नामांकन कार्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गया और जमुई में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Valsa Williams. Electioneering has gained further momentum for Lok Sabha elections as top leaders of various political parties are holding multiple rallies across the country today. Prime Minister Narendra Modi launched the poll campaign of BJP Shiv Sena Alliance in Maharashtra with a rally at Wardha today. He began his address by congratulating ISRO scientists for the successful historic launch of MESAT. Mr. Modi accused the Congress-NCP alliance of looting farmers in the state in the name of irrigation projects. Launching a scathing attack on the Congress, Mr. Modi said the party labelled peace-loving Hindu community as terrorists. He said it insulted millions of Hindus by coining the term Hindu terror. Mr. Modi said the Congress was scared of fielding candidates in the seats dominated by the majority population. The Prime Minister also targeted NCP chief Sharad Pawar, saying there was infighting in his party, which was slipping from his control. Congress President Rahul Gandhi today addressed a public meeting at Zahirabad in Telangana. He said his party's fight with the BJP is ideological. Mr. Gandhi promised that Congress will work for overall development of the country if voted to power. Talking to reporters in New Delhi today, BJP Vice President Shivraj Singh Chauhan accused the Congress of not fulfilling the promises made to the farmers. He alleged that Congress governments in states like Madhya Pradesh have cheated farmers by not fulfilling their promise of waiving agricultural loans. Referring to Congress President Rahul Gandhi's promise of minimum income guarantee scheme for poor families, Mr. Chauhan said people should not fall into his trap. Meanwhile, the BJP today announced names of 3 candidates for parliamentary elections and 11 candidates for state legislative assembly in Odisha. Bahujan Samaj Party announced a list of candidates for 6 Lok Sabha constituencies in Uttar Pradesh. In Punjab, Shiromani Akali Dal today announced candidates for 5 Lok Sabha constituencies. The Supreme Court today stayed the Election Commission's notification declaring Gujarat's Talala Assembly constituency seat as vacant and announcing the bypoll there along with the Lok Sabha elections. A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi also issued notice to the poll panel on a plea by former Congress MLA B.D. Barad, who had moved the apex court against the Gujarat High Court's March 27th verdict, dismissing his plea against the EC's notification. The Delhi and Bombay High Courts today dismissed 2 different public interest litigations seeking stay on the release of Prime Minister Narendra Modi's biopic. The Indian Space Research Organization ISRO today launched India's latest satellite MESAT and 28 other smaller satellites of international customers with textbook precision. The ISRO telemetry tracking and command network at Bengaluru has assumed control of MESAT satellite after its successful launch. The National Space Agency's workhorse launch vehicle PSLV-C-45, carrying the payloads on board, lifted off from its spaceport Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, at 9:27 a.m. In a little over 17 minutes, the primary payload, MESAT, was inserted by the rocket at an altitude of 754 kilometers as planned. MESAT is capable of gathering information of strategic value in electromagnetic spectrum. The registration for Amarnath Yatra 2019 has begun today. The 46-day-long annual yatra is scheduled to commence from the 1st of July and will continue till the 15th of August. Sri Amarnath Shrine Board has advised potential pilgrims to consult their doctors before embarking on the pilgrimage. In IPL cricket, Delhi Capitals will take on Kings XI Punjab in Mohali today. The match is slated to begin at 8 p.m.
Indian shooters continued their dominance, claiming half a dozen gold medals on the final day of the Asian Air Gun Championships to sign off with a total of 25 medals in Taiwan, Taipei. And with that, we end this news bulletin.